हेलो फ्रेंड, अगर आपके पास क्योसेरा 1800 1800 2200 या 2201 मॉडल है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1800 के ड्रम यूनिट के बारे में, कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि ड्रम से रिलेटेड हम लोगों को आती है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये वाला डोर ओपन करना, साइड डोर, जो कि ये लॉक है। ऐसे करके आप इसको ऊपर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और इसके साथ फिर हम लोगों को ये फ्रंट डोर ओपन करना है, साथ ही इसका जो ये वेस्टेड टोनर है इसको अनलॉक करके ये बाहर आ जाएगा। ऐसे ये ऐसे लॉक रहता है, ये यहाँ पर इसका लॉक रहता है जो कि अनलॉक करके ये बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एक लॉक दिख रहा होगा जो कि आप इसको ऐसे करके इसको बाहर करना है। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रू दिखेगा, उसको ओपन करना है, वो ईजीली ओपन हो जाएगा। और बस ये ड्रम यूनिट को ऐसे बाहर खींचना है, ये इजीली ऐसे करके बाहर आ जाएगी। तो ये निकल चुका है हमारा ड्रम यूनिट। तो हमने एक वेस्टेज पेपर जो है इसके नीचे बिछा लिया है और अब चलिए ओपन करते हैं इसको। फर्स्ट में जो ओपन करना है वो है आपका चार्जिंग यूनिट, जो कि यहाँ से इजीली प्रेस करने से ही ऐसा करके बाहर आ जाएगा। और आप इसको भी इजीली ओपन कर सकते हैं तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा। गीले कपड़ा लेकर आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। चार्जिंग रोलर से जो प्रॉब्लम आती है वो आपको हर 1 या 1.5 इंच पर आपको डॉट दिखेंगे, ताकि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, और आपको 1.5 इंच पर आपको ब्लैक कलर के पट्टे भी दिखेंगे, तो वो भी जो है आपके चार्जिंग रोलर से ही आते हैं। चार्जिंग रोलर को क्लीन करने के बाद इसको साइड में रख देते हैं। अब ओपन करते हैं ड्रम यूनिट, तो आपको यहाँ पर एक लॉक दिखेगा, इस लॉक को आपको ओपन करना है, ऐसे ही ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ से आपको इस ड्रम यूनिट को निकालना है जो कि ईजीली बाहर निकल जाएगी, ये ड्रम आपका पूरा बाहर निकल जाएगा। इसको हम क्लीन कर लेते हैं और इसको भी रख देते हैं साइड में। फिर आता है ड्रम। ड्रम को आपको पानी नहीं लगाना है, बस आपको वेस्टेड टोनर लेकर आपको ऐसे क्लीन करना है पूरा। इसको भी हम साइड में रख देते हैं, इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। अब ओपन करते हैं हम अपनी क्लीनिंग ब्लेड को। ओपन करने के लिए हमको 3 स्क्रू ओपन करना है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, एंड थर्ड ये। तीनों स्क्रू को ओपन करने के बाद ये इजीली बाहर आ जाती है। ऐसे करके आप इसको गीले कपड़े से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, बाद में इसको सूखे कपड़े से क्लीन करके साइड में रख देते हैं। ये एकदम क्लीन हो चुका है। अब आपको निकालना फलक्रम रोलर, जो कि फलक्रम रोलर जो है इसी की हेल्प से जो वेस्टेड टोनर है हम लोगों का वेस्टेज बॉक्स में जाता है, तो इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। इसको भी साइड में रख देते हैं, ये भी इजीली ओपन हो जाता है, ये यहाँ से इसका सील निकलेगा, यहाँ से इसका सील निकलता है ये। यहाँ से इसको ऐसे बाहर करोगे थोड़ा सा तो ये ऐसे करके बाहर आ जाएगा पूरा। इसके अंदर बहुत सारा टोनर जम जाता है, बहुत सारा टोनर इसी के अंदर भरा हुआ रहता है, तो आप जब इसको ऐसे करेंगे तो ये पूरा टोनर आपका बाहर निकल जाएगा। ये
इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और बस इसमें जो वेस्टेज टोनर है इसको बस ये पूरी हम लोगों की ड्रम यूनिट जो है क्लीन हो चुकी है। इसको थोड़ा थोड़ा और हम क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक एलईडी दिखेगी, ये इसको भी आपको क्लीन करना है। लाइट कॉपी का जब इशू आता है तो इससे भी होता है। और हम लोगों का जो चार्जिंग रोलर रहता है, जो गियर वाला पोर्शन है, वो आपको इधर की साइड गियर में लगाना है। ये वाला गियर पोर्शन आपका इधर की साइड लगेगा। इजीली यहाँ पर ऐसे फिट हो जाएगा। बस बाद में हमको ये लगाना है इसमें फल्क्रम क्लीनर। ये इजीली फिट हो जाएगा क्योंकि इसके यहाँ पे स्लॉट दे रखे हैं, स्लॉट में फिट हो जाएगा। अब लगाते हैं हम क्लीनिंग ब्लेड। क्लीनिंग ब्लेड भी इजीली इसमें फिट हो जाएगा। अब लगाते हैं हम अपने 3 स्क्रू। ये इजीली लग चुका है। अब लगाते हैं हम ड्रम यूनिट। फिट हो जाएगा इसमें। बस इसमें यह ध्यान रखना आपको कि ये जो छोटा वाला आपको ये दिख रहा है, ये आपको इधर की साइड में लगाना है यहाँ पर, और ये बड़ा वाला जो है ये इधर की साइड में फिट होगा। बस उसके बाद में इसको लगाने के लिए आपको जो ये दिख रहा हो, आपको यहाँ पर एक इसका छेद दिखेगा। बस इस छेद में ऐसे आपको ऐसे बस यहाँ पे रख के प्रेस करना है। ये ड्रम यूनिट हमारी रेडी हो गई है अभी। तो चलिए अब लगाते हैं हम अपना ड्रम यूनिट, जो कि आपको इजीली से लगाना है। ये लॉक का अंदर करना है और जो ये आपका वेस्टेज टोनर है इसको लगाना है, और ये जो स्क्रू है बस इसको टाइट करना है। फ्रंट कवर क्लोज करने के बाद साइड कवर क्लोज करना है।